इंडिपेंडेंस वाला पोर्शन कवर कर चुके हैं और अब हम आ गए हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पे, और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पे हम आ चुके हैं और इसका हम देखेंगे पहला चैप्टर जो कि है वर्ल्ड वॉर वन। इसमें देखेंगे वर्ल्ड वॉर वन हुआ कैसे और तीन मतलब छह बड़ी बड़ी कंट्री थी, ब्रिटेन, फ्रांस और आपका यूएसए भी ले लो, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, और इधर साइड थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, ये सब भी थी। ये सब कंट्री के बीच में क्या रीजन थे, क्या कॉजेज थे जिसकी वजह से एक वर्ल्ड वॉर वन का रूप ले लिया इन लड़ाइयों ने। धीरे धीरे करते ना चाहते हुए भी बहुत सारी कंट्री इसमें इन्वॉल्व हो गई और बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारे इसमें पैसा खर्च हुआ। जीत, देखो वॉर में जीत हार किसी की नहीं होती है, उल्टा लॉ बेचारे सिविलियंस ही सारा लॉस देखते हैं। तो हम देखेंगे कैसे क्या हुआ और उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, शुरू करता हूँ अपनी वीडियो। तो देखो क्या है यहाँ पे वर्ल्ड वॉर वन पे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉजेस क्या क्या थे और इवेंट्स क्या क्या थे, रिजल्ट्स के बारे में हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले कॉजेस क्या थे, देखो छः बड़ी बड़ी कंट्री थी आपकी, एक थी रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, इनको आप कह सकते हो ट्रिपल अलायंस, इन्होंने बनाई थी अपने ग्रुप का नाम दिया था ट्रिपल एंटेंटे, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन, ये क्या थे आपका ट्रिपल एंटेंटे, और जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, ये कौन थे आपके ट्रिपल अलायंस, इन तीनों को कहते हैं ट्रिपल अलायंस, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये महायुद्ध लड़ा गया था और इस लड़ाई में बहुत सारा डेथ और बहुत सारा पैसा वेस्ट हो गया था। देखो अब पहले आते हैं इसके कॉजेस पे। कॉजेस है सबसे पहला आपका मिलिटेंट नेशनलिज्म। मिलिटेंट नेशनलिज्म मतलब बर्डनसम मैकेनिज्म रखना, ऐसा मतलब भयंकर कोई कंट्री अपने पास ऐसा भयंकर मैकेनिज्म रखे हुआ था जिससे कि भयंकर मैकेनिज्म समझ सकते हो, बड़ी आर्मी, बड़ी नेवी, बड़ी एयरफोर्स, जिससे कि बाकी कंट्री को ये खतरा हो गया था कि अगर भैया इसने हमारे ऊपर अटैक कर दिया तो हम जाएंगे कहाँ। इसलिए मिलिटेंट नेशनलिज्म एक ऐसा मतलब इविल नेसेसरी प्रोडक्ट समझ सकते हो, ये एक नेसेसिटी बन गई थी सारी कंट्री की, अगर उन्होंने भी अपनी आर्मी वगैरह और मैकेनिज्म और उनका वो सब जो होता है वेपन्स मजबूत नहीं किए तो एक दूसरी कंट्री मतलब हमारे ऊपर हमला कर देगी और हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो एक नेसेसिटी बन गई थी लोगों की, और एग्रेसिव नेशनलिज्म भी इसमें आ गया था कि मतलब लोग अपनी कंट्री को मतलब कंट्रियां अपनी कंट्री को कंट्री के लोग अपनी कंट्री को अच्छा समझते थे और दूसरी कंट्री के लिए हेट्रेड जताते थे कि तुम्हारी कंट्री अच्छी नहीं है। तो ये दोनों कॉजेस से मिल के मिलिटेंट नेशनलिज्म बना, और मतलब अपनी लार्ज बड़ी नेवी, बड़ी आर्मी रखना इन सब से ताकि दूसरे के ऊपर कभी भी हमला कर सके और अपना एम्पायर बढ़ा सके। और देखो दूसरा एक इसमें एडेड नहीं है, या तो आपको बता भी सकता हूँ मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट में, ये है कि बाकी कंट्री सोचती थी कि जैसे ये सारी कंट्रियाँ अपना अपना हर जगह से कॉलोनी, एशिया से, अफ्रीका से, हर जगह से ये लोग हड़प रहे हैं, हर जगह से ये लोग कब्जा कर ले रहे कंट्री पे, तो हमको भी क्यों ना करें, हम भी अपनी टेरिटरी बढ़ाएंगे। हम भी उतने टाइम मोनार्की बहुत चलती थी, मोनार्की मतलब होता है किंग वाला सिस्टम, तो मोनार्की बहुत चलती थी, लोग इधर हड़प रहे, उधर पकड़ रहे, इधर ये कंट्री इतनी बड़ी होती चली जा रही। तो ये जो कंट्रियाँ और बाकी यूरोप में स्पेशली जितनी कंट्री थी ये सोचती थी कि हम क्यों पीछे हटे, हम भी आगे बढ़ेंगे, हम भी सब पकड़ेंगे, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया आपका। अब देखो दूसरे में, और रेस फॉर आर्मामेंट्स। आर्मामेंट्स मतलब जर्मनी को जब देखा ब्रिटेन और फ्रांस ने कि इतना ये मतलब मास, इतना बड़े बड़े वेपन्स बना रहे हैं, इतनी बड़ी आर्मी करती चली जा रही है, तो एक रेस सी बन गई थी इन मतलब बाकी कंट्री ने सोचा कि अगर हम अपने वेपन्स मजबूत नहीं करेंगे तो फिर हमको कुछ ना कुछ देखना, भाई हमारी कंट्री हड़प रहेंगे तो हम क्या कर पाएंगे, तो इसीलिए हमको लड़ना पड़ेगा, लड़ने के लिए हमको वेपन्स चाहिए, और इसी रेस में सारी कंट्री आगे पीछे में लगी हुई थी, ठीक है। और एक यहाँ पे एक पॉइंट रह गया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका इमीडिएट कॉज।
इमीजिएट कॉज, इमीजिएट कॉज के बारे में बाद में आएंगे। अब देखो डिवीजन ऑफ ग्रुप, डिवीजन ऑफ ग्रुप क्या था, ग्रुप यूरोप दो हॉस्टाइल ग्रुप में बट गया था, इन दो हॉस्टाइल ग्रुप में, ट्रिपल एंड अलायंस और ट्रिपल एंटेंटे में, इन दोनों ग्रुप में बट गया था। ये मतलब ये अपने आप में इतने, मतलब ये सीक्रेट अलायंस साइन कर लिए थे एक कंट्री एक दूसरे से कि भैया अगर तुम्हारे ऊपर कुछ होता है तो हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन अगर हमारे पर कुछ होगा तो तुम भी हमारा साथ देना है। सब अपने आपस में सब बना लिए थे गुड, और बीच बीच में मतलब बिल्कुल एकदम तैयार थे लड़ाई के लिए, अगर कुछ भी होता है तो फटाफट वॉर डिक्लेयर कर देंगे। अब यहाँ पे आपका आ जाता है इमीडिएट कॉज। देखो ऑस्ट्रिया हंगरी ये सब आपस में सीक्रेट अलायंस साइन कर लिए थे। ऑस्ट्रिया हंगरी के जो वो थे मतलब हायर, मतलब राजा के बाद अब जो दूसरे प्रिंस बनने वाले थे आर्च ड्यूक फर्डिनेंस, इनको क्या किया, सर्बिया में जब ये जा रहे थे तो इनको वहाँ के ब्लैक कैप नाम के एक सीक्रेट एजेंसी ने इनको वहाँ पे असैसिनेट कर दिया, इनको गोली मार के मार डाला। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑस्ट्रिया हंगरी बहुत गुस्से में आ गई और सर्बिया के ऊपर बहुत सारे इन्होंने 11 से ज़्यादा इन्होंने रूल रेगुलेशन रखा और कहा कि अगर तुम इसको फुलफिल नहीं करेंगे हम तुम्हारे पर वॉर डिक्लेयर कर देंगे। तो फिर क्या हुआ, ऑस्ट्रिया हंगरी ने फटाफट किया तो सर्बिया की तरफ से रशिया आ गया, रशिया ने कहा कि तुम रशिया ने इसके ऊपर आपके ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया। जर्मनी ने वॉर डिक्लेयर किया रशिया के ऊपर और दूसरे दिन बाद फ्रांस के ऊपर डिक्लेयर कर दिया। जैसे ही फ्रांस के ऊपर डिक्लेयर किया तो ब्रिटेन ने फिर जर्मनी के ऊपर डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पे आपकी वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग होगी। सब लोग एक दूसरे से आपस में लड़ने लगे। अब देखो क्या हुआ, अब इवेंट्स क्या हुए, कहाँ कहाँ पे लड़ाई हुई, बहुत दिन तक 1914 से लड़ाई शुरू हो गई थी और चलती चली जा रही थी। अब देखो वेस्टर्न फ्रंट में क्या हुआ था, यहाँ पे जर्मन ट्रूप्स और बेल्जियम, फ्रांस और ब्रिटेन आपस में लड़ भिड़ रहे थे, यहाँ पे सब कुछ हो रहा था आपका। और क्या बोलते हैं, और धीरे धीरे क्या हुआ, जब यहाँ पे क्या थे आपके जर्मन्स लोग लड़ रहे थे, जर्मन्स एक दूसरे से लड़ रहे थे, और फिर उसके बाद जब यहाँ पे हुआ तो धीरे धीरे रशिया ने अपना हाथ पीछे कर लिया और उसके बाद जर्मनी बेचारी अब यहाँ पे कमज़ोर पड़ती जा रही थी और धीरे धीरे कोलैप्स होने लगी और लोग हटने लगे। और यहाँ पे एक और बड़ी ट्रेजेडी ये हो गई कि इटली ने अपना अलायंस तोड़ के ट्रिपल एंटेंटे के साथ आ गए कि अब हम तुम्हारा साथ देखेंगे। जब देखो क्या हुआ था, इटली लालची थी, उसने सोचा कि भैया अगर हम इनके साथ रहेंगे तो हार रहे हैं, अगर इनके साथ रहें तो फिर हमको कुछ मिलेगा भी नहीं। तो फिर उसके बाद इटली ने फटाफट ट्रिपल ब्रिटेन और फ्रांस का साथ दिया और उसके साथ जुड़ गए और वहाँ पे जर्मन्स लोग कोलैप्स करने लगे। ट्रेंच वॉरवेयर क्या था कि मतलब बड़े बड़े बंकर थे, बड़े बड़े तोप थे, उन सबसे लड़ने के लिए ट्रेंच बनाए जाते थे, मतलब ज़मीन के अंदर काफ़ी ज़्यादा खोदना और वहाँ पे लोग रहेंगे ताकि वहाँ पे वो जंग वंग लड़ सके। लेकिन ट्रेंच वॉरफेयर का एक बड़ा ये था कि भैया आप जब अर्थ के जितना अंदर जाओगे तो पॉइजनस गैस वगैरह बहुत सारी रिलीज होती है, उससे लोगों का सोल्जर वहाँ पे रह नहीं पाते। एक तो कुछ उसमें मर गए सोल्जर तो उनको ले जाने में भी बहुत दिक्कत, और वहाँ पे पॉइजनस गैस और कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा रहते थे तो वहाँ पे ये सब लोग मरने लगे। और उसके बाद क्या हुआ, जब ये सारी घटना हो रही थी तो फिर जर्मनी की तरफ से टर्की आ गया था, तुर्की, मतलब हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तो फिर ब्रिटेन से तुर्की की लड़ाई हुई टर्की की और फिर इसमें टर्क्स जो थे वो सारे हार गए थे। इसीलिए आपने देखा होगा ना पिछली एक वीडियो में मैंने बताया था, जब वो वाला चल रहा था आपका खिलाफत मूवमेंट वाला वीडियो जाके देखना मेरा, उसमें था कि जब टर्की हार गई तो फिर इंडियन लोगों ने खिलाफत मूवमेंट चलाया कि भैया टर्की को उसकी सॉवरेनिटी और उनके सुल्तान को वापस करो। तो ये सारे यहाँ पे इवेंट्स थे, यहाँ पे जर्मन कोलैप्स होने लगा था, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से ट्रेंच वॉरफेयर एक घटना बनती चली जा रही थी और यहाँ पे टर्की की एंट्री हो गई। बहुत सारी कंट्री थी आपस में एंट्री होती चली जा रही थी, एक दूसरे के साथ जुड़ती चली जा रही थी, लेकिन टर्की इसमें मोस्ट डोमिनेंट थी। और यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हो कि बाकी सारी कंट्री को यहाँ पे इतना दर्शाया नहीं है क्योंकि ये कंट्री ज़्यादा लड़ती हुई दिखाई दी गई थी। अब इसके बाद मिलेंगे हम लोग अपने रिजल्ट वाले, जो मतलब वर्ल्ड वॉर वन का रिजल्ट क्या था उसके बारे में देखेंगे, फिर बाकी अपने चैप्टर्स के बारे में देखते जाएंगे, देखेंगे रिजल्ट्स के बारे में। ठीक है, आज हम लोग इसके बारे में देखेंगे रिजल्ट्स के बारे में। भाई इतना बड़ा वॉर हो गया आपका और उसके बाद में क्या आपको उसका रिजल्ट क्या मिले, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए, भाई हमारे और किसी दूसरे के बीच में लड़ाई हुई, कौन जीता कौन हारा ये भी तो देखोगे ना, रिजल्ट तो वही चीज़ है।
तो आज हम लोग देखेंगे रिजल्ट्स के बारे में। और ये देखो, ये सारे पॉइंट्स को मैं इलेबोरेट करूंगा आपको, अभी के लिए एक फटाफट एक क्विक रिव्यू देता जा रहा हूँ। देखो, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, जर्मनी को इस वॉर के लिए घोषित किया गया कि तुम्हारे वजह से वॉर हुआ है, जर्मनी को गिल्टी ऑफ द वॉर बनाया गया और उसके ऊपर काफ़ी सारी हार्श ट्रीटीज़ एक पेपर में ला के चिपका दी गई कि ले लो, अब इसको तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स था। दूसरा पॉइंट, चेंज इन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। ये आप जब पहला पॉइंट समझ लोगे उसके बाद आपको समझ आएगा, स्टे ट्यून्ड आखिरी तक बने रहना, तो आपको हर चीज़ समझ आएगी। और बहुत ही शॉर्ट होने वाले, बहुत लंबा नहीं होगा ये वीडियो, ठीक है। तीसरा पॉइंट, एंड इन द एंड ऑफ द मोनार्की सिस्टम। उतने टाइम पे राजा रानी लोग रहा करते थे, राज्य वगैरह चलता था, तो यहाँ पे मोनार्की सिस्टम उतने टाइम, जब से ये वॉर ख़त्म हुआ तो फिर मोनार्की सिस्टम भी ख़त्म हो गया और डेमोक्रेसी आ गई। मतलब जो अब, मतलब लोगों की, जो जनता की कही जाएगी वही लीडर बनेगा। लास्ट तक क्या है आपका, फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशन। मतलब जैसे ये आपका वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, कि लीग ऑफ नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, जिससे कि ये पता लग सके कि आगे कोई दोबारा इस तरह का डेडली वॉर ना हो सके, ठीक है। अब देखो, पहला पॉइंट क्या है आपका, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स क्या होता है कि फ्रांस और ब्रिटेन जो अलाइड पावर जीते थे, इन्होंने 27 मेंबर्स के साथ एक कॉन्फ्रेंस बनाई जिसमें हारी हुई कंट्री नहीं इन्वॉल्व थी, और वहाँ पे उन्होंने एक ट्रीटी बनवाई, ट्रीटी को जर्मनी के ऊपर थोप दिया, लो अब तुम संभालो इसे। तो जैसे होता है ना, पेपर आपको एग्जाम में दे देंगे बोर्ड वाले कि लो भैया अब तुम्हारे हवाले है, ये इसको क्या करना है, ये पेपर तुम्हारे साथ क्या करेगा कि आप, हमें नहीं पता, जाओ। तो वही ट्रीटी भी जर्मनी के ऊपर थोप दी गई। सबसे पहले तो कि हमने जो इतना सारा पैसा खर्च किया, मिलिट्री खर्च की, इतने सोल्जर्स की जान चली गई, उसका आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, $33 बिलियन। ये वैरी कर सकता है आपकी बुक से, बुक में कहीं 31 भी दे सकता है, कहीं 32 भी दे सकता है, कहीं 34 भी दिया होगा, लेकिन एक एवरेज इतना ही लेके चलो कि 30 प्लस ही था। $33 बिलियन का आपको कंपनसेशन देना होगा, और काफ़ी सारी अब आपको इस पार्ट में भी ध्यान देना होगा। देखो, $33 बिलियन का तो कंपनसेशन दो भाई, पैसा भरो, और जर्मन टेरिटरी काफ़ी सारी, जो उतने टाइम पे जर्मनी ने अपना काफ़ी सारी साइड साइड की काफ़ी सारी टेरिटरी भी हमला करके पकड़ी हुई थी, तो जैसे ये वॉर हारी तो काफ़ी सारी टेरिटरी को या तो फ्री कर दिया गया, या तो जीती हुई कंट्री ने अपने अंदर बुला लिया, आओ भैया आओ, आज आओ, ओए इधर आ जा, देख। तो फिर ऐसे ही जर्मन कंट्री ने अपने अंदर सबको पकड़ लिया। दूसरा पार्ट क्या था, कोल माइंस। जर्मनी के पास सार और राइन वैली थी, जो कि कोल माइंस थी, कोयले की खदान थी, बहुत फ्यूटाइल थी, बहुत कोल प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री समझ लो कि कोल बनता था वहाँ पे, कोल माइन बेशुमार निकलता था, तो वो बहुत फ्यूटाइल आपके कोल माइंस थे। फ्रांस ने सीड कर लिया, इसको जब्त कर लिया 15 सालों के लिए, और कहा कि 15 साल के बाद अब तुम लेना इसको, ठीक है, अब हमारे पास मत आना। तो जर्मनी के पास से उसकी कोल माइंस भी चली गई, टेरिटरीज भी चली गई, ठीक है। तीसरा पार्ट, मिलिट्री। जर्मनी की मिलिट्री वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे नंबर 1 पे थी, बहुत बड़ी थी, और उसको अब क्या कर दिया गया, कंफाइंड, एक नन्ना सा बच्चा बना दिया गया। 1,00,000 सोल्जर, 24 ships, 1,500 नेवी मैन, बस और कुछ नहीं, बस। एयरफोर्स, सबमरीन बैन, आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, इतनी सारी, इतनी बड़ी कंट्री के लिए थी, छोटी सी मिलिट्री कन्फाइन कर दी गई। ये काफ़ी सारी हार्श भी थी, समझ सकते हो कि मतलब ज़बरदस्ती तुम्हारे ऊपर लगा दिया गया इल्ज़ाम, भाई हर पक्ष को देखना चाहिए ना ये बात, वही चीज़। इंडिपेंडेंस ऑफ नेशन, जैसी ये कंट्री हारी तो काफ़ी सारे स्टेट्स इंडिपेंडेंट हो गए, इनको अपनी इंडिपेंडेंस मिल गई, कौन कौन सी थी, बेल्जियम, पोलैंड, यूगोस्लाविया, बहुत सारी कंट्री थी, इसमें से प्रोमिनेंट यही है, तो ये थोड़ी थोड़ी पार्ट इंडिपेंडेंट बन गए थे, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स कवर हो गए। दूसरे पार्ट पे आते हैं, चेंज इन द पॉलिटिकल मैप ऑफ यूरोप। देखो, यूरोप में क्या था, जैसे ये कंट्री, देखो जो हारी हुई कंट्री थी उसका नक्शा कट पिट के छोटी, वो कंट्री इतनी बड़ी थी वो इतनी बड़ी बन गई, और जो बड़ी जीती हुई कंट्री थी, या तो वो उतनी ही बड़ी थी जितनी पहले थी, या तो उसमें थोड़ा सा और कंट्रीज ऐड हो गई थी और काफ़ी सारे नए नए छोटे छोटे कंट्री आ गए थे। ये चेंज आया था पॉलिटिकल मैप में, आप अपनी बुक में ज़रूर देख लेना, वर्ल्ड वॉर वन से पहले कैसा मैप था, वर्ल्ड वॉर वन के बाद कैसा मैप था, आपको आराम से पता लग जाएगा। अब देखो क्या है, तीसरा पार्ट क्या है, एंड ऑफ मोनार्की सिस्टम। मतलब राजा रानी वाला किस्सा, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, सब खत्म कहानी, यहाँ पे अब डेमोक्रेसी की कहानी आ गई। डेमोक्रेसी, जैसी स्टेट इंडिपेंडेंस हुए, लोगों ने अपना लीडर चुना, और उसके बाद सारे मतलब डेमोक्रेसी वाले ही हर जगह मामला चल गया, बहुत कुछ छोटे से राज्य, कुछ छोटा सा इतना बड़ा इलाका ही बचा होगा जहाँ पे कुछ
राजा रानी वाला सिस्टम चल रहा होगा। लास्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन इसलिए बनाएगी कि ऐसे हॉरर ऑफ द वॉर दोबारा ह्यूमंस को, लोगों को, कंट्री के लोगों को देखने को ना मिले, तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिससे कि आप मतलब समझ सकते हो कि ये वॉर को, आगे कोई भी वॉर आने वाला है उसको रोक दिया जाए। लेकिन ये लीग ऑफ नेशन आगे चल के कमज़ोर पड़ गई जब इटली और जर्मनी में नाजिज्म और फेजिज्म का मतलब वो उभरे, वो बढ़े आगे, हिटलर और म्यूसोलिनी ये जब आगे बढ़े, तो फिर उसके बाद ये लीग ऑफ नेशन वहाँ पे वीक पड़ गया। और जब एक और पॉइंट है इसमें, जब चाइना और वर्ल्ड वॉर वन होने के बाद भी चाइना और जापान के बीच में कुछ खटपट चल रही थी, तो भी ये चाइना बोल रहा था कि लीग ऑफ नेशन को, भैया आके कुछ करोगे तुम, हमारी बात तो सुनो, जब्त करता चला जा रहा, पकड़ता चला जा रहा है, इनके जुए पे, इनके कान में जुआ नहीं रेंग रही थी, इनके सर पे कुछ हो ही फर्क ही नहीं पड़ रहा था। एक तो आलसी भी हो गए थे और लास्ट में जाके वीक भी पड़ गए थे। वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। तो यहाँ पे एक तरीके से फॉर्म हो गए थे, अरे मतलब ये आपका वीक पड़ गई थी। और इसके कुछ मुद्दे भी थे लीग ऑफ नेशन के, कि कोई सीक्रेट अलायंस में कंट्री नहीं जाएगी, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, और आपका ये भी समझ सकते हो कि मतलब सारे नेशन एक दूसरे से इकोनॉमिक कॉरपोरेशन करेंगे, और भी बहुत सारे थे। मेन तीन चार प्रोमिनेंट पॉइंट आपको दे दिए, ठीक है। इसी के साथ अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं, आगे मिलेंगे आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और भी बाकी की मज़ेदार कहानी बची रह चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहो।